से प्रवाहित होने वाला ये ताप मुझे पीड़ा दे रहा है। आ, 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 गणेश तो अपार संकट में है। गणेश ये क्या हुआ है तुम्हें? ज्ञात नहीं भैया, किंतु बहुत तीव्र ताप का अनुभव हो रहा है मुझे, और मेरे उधर में से तो भयंकर ताप उत्पन्न हो रहा है, जैसे जैसे मेरे भीतर ज्वालामुखी का लावा अपने ताप की चरम पर हो। कुमार कार्तिकेय, प्रथम पूज्य गणेश जी ने अर्नलासुर को निगला है और उसके शरीर का मूल तत्व लावा ही था, और वो खोलता हुआ लावा प्रथम पूज्य गणेश जी के उदर में अत्यंत ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है। गणेश पीड़ा से माँ को पुकार रहा है, मुझे यथाशीघ्र कैलाश लौटकर माँ को सूचित करना चाहिए। गणेश जी को इस अवस्था में देखेंगी तो वो आवेशित हो उठेंगी, और माता पार्वती के क्रोध से तो संसार परिचित ही, हम देवता भी उनके क्रोध के प्रभाव से रक्षित नहीं हो पाएंगे। नहीं नहीं कुमार कार्तिकेय, क्या माता पार्वती को इस विषय में बताना उचित होगा? मेरे विचार से वो व्यर्थ में ही चिंतित हो जाएंगे। हम इस स्थिति पर नियंत्रण पा सकते हैं, आप देखिए शीघ्र अति शीघ्र प्रथम पूज्य गणेश जी एकदम कुशल हो जाएंगे। इंद्रदेव सर्वथा उचित कह रहे हैं, माँ को व्याकुल करने का कोई भी लाभ नहीं, हम है ना, हम गणेश को संभाल लेंगे। गणेश तुम तनिक भी चिंता मत करो, हम सभी है ना यहाँ, हम शीघ्र ही कोई उपाय ढूंढ लेंगे तुम्हारे इस ताप को शांत करने का। हाँ कुमार कार्तिकेय, हमें सर्वप्रथम गणेश जी को किसी उचित स्थान पर स्थित करना होगा, वो उस नीम के वृक्ष के नीचे। गणेश जी उस नीम के वृक्ष की छाया में बैठेंगे तो उनके स्वास्थ्य में अवश्य सुधार होगा। हाँ सूर्यदेव, यही सर्वथा उचित रहेगा। आओ गणेश, आओ मेरे साथ। इतना प्रचंड ताप जिसने मुझे भी प्रभावित कर दिया। क्या हुआ कुमार कार्तिकेय? गणेश तो भीतर बाहर जैसे पूर्ण रूप से तप रहा है, उसके तन से उत्पन्न होने वाली यह उष्मता इतनी अधिक है कि उसका स्पर्श करने पर उसका प्रचंड ताप मुझे भी अनुभव हुआ। फिर इस ताप को कैसे शांत करेंगे हम? आप सभी मुझे लेकर बहुत चिंतित प्रतीत हो रहे हैं, इतनी चिंता मत कीजिए, मैं शीघ्र स्वस्थ हो जाऊंगा। गणेश जी! नहीं भैया, नहीं भैया, नहीं, ऐसे तो आपका हाथ भी इस ताप से प्रभावित हो जाएगा। ये प्रचंड ताप तो मेरे लिए भी असहनीय हो रहा है, किंतु मुझे इसे सहन करते हुए अनुज की सहायता करनी ही होगी, इसके अतिरिक्त और कोई अन्य उपाय भी नहीं है। नहीं गणेश, कुछ नहीं होगा मुझे, आओ चलो मैं तुम्हें उस नीम के वृक्ष के नीचे उसकी छाया में ले चलता हूं। कदाचित यहां गणेश जी को थोड़ी शांति प्राप्त होगी, नीम वृक्ष की छाया का शीतल प्रभाव कुछ तो लाभ अवश्य करेगा। आओ अनुज गणेश, यहाँ पर अपना स्थान ग्रहण कर। नीम के पेड़ के छाया के प्रभाव से गणेश जी का चित्त अवश्य शांत होगा। गणेश जी, इस पेड़ की छाया में बैठकर के आपकी स्थिति में कोई सुधार हुआ है?
ये नीम वृक्ष की छाया तो अवश्य शीतल है। इसका अर्थ है उपाय कार्य कर रहा है। नीम की शीतल छाया से गणेश भी शीतल हो रहा है। क्या करूं? गणेश को इस कष्ट से मुक्ति कैसे दिलाऊं? तत्काल हमें गणेश के लिए वायु झलना चाहिए। नहीं उचित उपाय। ये आप सब क्या कर रहे हैं? जब मैं स्वयं वायुदेव यहाँ उपस्थित हूँ तो ये कार्य करने की आपको क्या आवश्यकता? वायुदेव तो सर्वथा उचित कह रहे हैं। आइए वायुदेव, आप सब पीछे हट जाइए, मैं अभी शीतल वायु प्रवाहित करता हूँ। हाँ, उचित है। गणेश पर इस शीतल वायु का प्रभाव तो अवश्य होगा। प्रतीत होता है ये युक्ति सफल हो रही है। मेरी शीतल पवन गणेश जी को अवश्य उनके भीतर के ताप से रक्षित करेगी। अब मैं ऐसी शीतल वायु उत्पन्न करूंगा जो उन्हें सभी ओर से घेर लेगी। अद्भुत वायुदेव, आपकी युक्ति सफल हुई। गणेश, आप कैसा प्रतीत हो रहा है तुम्हें? इस शीतल वातावरण से प्रभावित होकर क्या तुम्हारा ताप कुछ शांत हुआ? मेरी शीतल वायु का प्रभाव भी नष्ट हो रहा है, ये हिमकन भी पिघल रहे हैं। वायुदेव, अपने पवन के प्रवाह को रोक दीजिए। गणेश जी की ऊर्जा आपकी पवन को लू में परिवर्तित कर रही है। कुछ क्षणों के लिए तो उचित लग रहा था भैया, किंतु ये ताप पुनः उभर रहा है। बहुत कष्ट दे रहा है ताप मुझे। नहीं, मैं गणेश को इतनी पीड़ा में नहीं देख सकता। हमें गणेश के भीतरी ताप को शांत करने के लिए कोई ना कोई उपाय करना ही होगा। पुत्र गणेश, माता, क्या हुआ माता? मैंने गणेश का स्वर सुना, जैसे वो लौट आया हो। ऐसा आभास हुआ मुझे जैसे उसने मुझे पुकारा हो। किंतु मैंने तो तुम नहीं सुना। माता अवध्य धने दीति प्रतिष्ठा में अधील हो रही है। यदि उमा को ज्ञात हो गया कि गणेश का उदर अर्नलासुर के लावा से भरा है तो वो अत्यंत व्याकुल एवं उग्र हो जाएंगी। मुझे ही गणेश की कुशलता का कोई उपाय करना होगा, और जब वो पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर कैलाश लौट आएगा तब हम उमा को इस घटना का विस्तृत विवरण दे सकते हैं। चंद्रदेव, प्रणाम महादेव। क्या आपको कोई चिंता सता रही है प्रभु? मुझे शांत नहीं होने दे रहा है भैया। मैं क्या करूं इस विकट स्थिति से अनुज गणेश को कैसे निकालूं मैं? कुमार कार्तिकेय,
मुझे विश्वास है अग्नि देव होने के नाते मैं गणेश जी के भीतर की अग्नि और तपते लावा को नियंत्रित कर सकता हूँ। हाँ यही उचित। गणेश तुम स्थिर होकर बैठे रहो, अग्निदेव तुम्हारे भीतर के लावा को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है? हाँ उचित है। आइए अग्निदेव। क्या हुआ अग्निदेव? कुमार कार्तिकेय, इस अग्नि और लावा को वश में करना मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि इसमें कोई अप्राकृतिक आसुरी अग्नि है। तो फिर क्या करें हम? गणेश को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाने की अब क्या युक्ति शेष है? नहीं, चंद्रदेव आप यहाँ? प्रणाम गणेश जी। कुमार कार्तिकेय, मैं यहाँ आपकी सहायता के लिए आया हूँ। मैं अपनी शीतलता गणेश जी पर उड़ेलूंगा तो कदाचित उनके भीतर का तापमान नियंत्रित हो जाएगा। महादेव का सुझाव उचित था, मेरा शीतल प्रकाश सफल हो रहा है, गणेश जी पर उसके प्रभाव का आभास हो रहा है। चंद्रदेव, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे लावा मेरे मुख से बाहर निकलकर विस्फोट उत्पन्न करने जा रहा था। मैं स्वयं को रोक नहीं सका। आप कुशल तो है ना? गणेश जी, मैं तो सर्वथा कुशल हूँ, किंतु दुख मात्र इस बात का है कि मेरा शीतल प्रकाश आपको शीतलता प्रदान करने में असमर्थ रहा। क्या करूं, कैसे सहायता करूं अपने अनुज की ताकि वो इस असहनीय पीड़ा से मुक्ति पा सके? यदि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो क्या अब हमें माँ को इस स्थिति से अवगत कराना होगा? पिताश्री, ये देखिए ना गणेश को क्या हो गया। पिताश्री, आप अकेले ही आए हैं, मां नहीं आई आपके साथ? पुत्र कार्तिकेय, मैंने अभी तक उमा को इस परिस्थिति से अवगत नहीं कराया है। उचित ही किया महादेव ने, अन्यथा माता पार्वती की प्रतिक्रिया तो विध्वंसक भी हो सकती थी। उचित ही किया पिताश्री, माँ गणेश की पीड़ा नहीं सह पाती, वो अवश्य व्याकुल और क्रोधित हो उठती। और वैसे भी अब आप आ गए हैं तो
तो इस समस्या का समाधान भी निकल आएगा और सब कुछ यथावत भी हो जाएगा। पुत्र, हमें गणेश के भीतर की उष्णता का उपचार औषधियों से करना होगा। ऐसी औषधियां जो उसके उदर को भीतर से ही शीतलता प्रदान करे। अर्थात पिताश्री, हमें देव चिकित्सक अश्विनी कुमारों का आवाहन करना चाहिए। गणेश की पीड़ा बढ़ती जा रही है, उसका कोई उपचार सुझाइए। महादेव, हम अश्विनी कुमार शल्य चिकित्सक हैं। गणेश जी की ये अवस्था देखकर हम शैल्य प्रक्रिया से इनके भीतर का लावा बाहर निकाल दें। शैल्य प्रक्रिया, मैं शैल्य चिकित्सा कदापि नहीं करवाऊंगा। महादेव, हमें शल्य चिकित्सा का परित्याग कर धनवंतरी जी का आवाहन करना चाहिए। उन्हें औषधियों का ज्ञान है, वो अवश्य कोई ना कोई ऐसी औषधि बताएंगे जिससे गणेश का उदर शांत और स्थिर हो जाए। हाँ मामा जी, धनवंतरी जी की औषधि ही उपयुक्त होगी, उसी से मेरी अवस्था में सुधार होगा। आप अपना हाथ सीधा कर सकते हैं क्या? हाँ, अवश्य। गणेश जी का तापमान तो बहुत अधिक है, इनके भीतर का लावा उबल रहा है। धनवंतरी जी, अब आप ही कोई उपचार कीजिए। गणेश जी, ये चंदन है, इस चंदन का लेप अपने उदर पर लगाइए, इससे आपको अवश्य शांति प्राप्त होगी। गणेश, अब कैसा प्रतीत हो रहा है तुम्हें? गणेश जी के उदर के ताप ने तो चंदन को भी सुखा दिया, पर कोई बात नहीं, मैं कोई अन्य उपचार करता हूं। शीघ्रता कीजिए, अब ये पीड़ा मुझसे सहन नहीं हो रही है। ये ताप तो बढ़ता ही जा रहा है। आकाश में ये लालिमा क्यों छा रही? पुत्र गणेश और पुत्र कार्तिकेय को तो अब तक लौट आना चाहिए था, फिर उन्हें इतना समय क्यों लग रहा है? गणेश जी, ये लौकी और केवड़े का रस है, हम इसे आप पर छिड़केंगे जिससे आपको अवश्य शांति प्राप्त होगी। अचानक वातावरण में इतना प्रचंड ताप क्यों उत्पन्न हो रहा है?
कुछ भी नहीं हो रहा है। ये बूंदे तो मेरे तन पर तनिक भी नहीं टिक रही है। मेरे तन का स्पर्श करते ही सूख कर वाष्प बन रही है। स्थिति और भी गंभीर होती जा रही है। स्वामी भी अपने ध्यान स्थल पर नहीं है। कहाँ गए वो? पुत्र गणेश और पुत्र कार्तिकेय भी अभी तक नहीं लौटे। मुझे एक विचित्र चिंता का आभास हो रहा है। और अब स्वामी भी यहाँ नहीं। आज के पूर्व जब भी गणेश पर संकट छाया है, मुझे ऐसी ही व्यग्रता का आभास हुआ है। इस बार मैं अपने आभास को पूर्ण गंभीरता से लूंगी। पुत्र गणेश, धनवंतरी जी, आपकी ये नवीन औषधि तो कुछ भी कार्य नहीं कर पा रही है। कोई लाभ नहीं हो रहा है। पुत्र गणेश, ये किस प्रकार के विचलन का आभास हो रहा है मुझे? कैलाश में सब कुशल तो है ना? मैं सुझाव देता हूँ कि हमें सप्त ऋषियों का आह्वान करना चाहिए। कदाचित वही हमारी सहायता करेंगे। गणेश जी को शीतल करने हेतु हमें एक ढांचे का निर्माण करना होगा। ऋषिवर, ये क्या है? इससे भला क्या होगा? ये चटाइयां जिससे हमने इस ढांचे का निर्माण किया है, ये खस्क की दूब से निर्मित है और खस्क शीतलता प्रदान करता है। इसलिए अब सर्वप्रथम वरुण देव वर्षा प्रदान करेंगे। इस पर मैं शीतलता के स्रोत गुलाब जल का छिड़काव करूंगा। अब वायुदेव वायु प्रवाहित करेंगे। अब गुलाब जल और वायु खस के चटाई से होकर आपको स्पर्श करेंगे, तो इससे आप अवश्य शीतल होंगे। ये प्रक्रिया मुझे उचित लग रही है। इससे अनुज गणेश को अवश्य लाभ मिलेगा। गणेश के शरीर से निकलने वाले अग्नि ने तो नीम के वृक्ष को भी जला दिया। इस उपाय का कोई भी लाभ नहीं हुआ और ये ताप तो अब और भी ऐसे नहीं होता जा रहा है। आ, 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 आ,
भीतर का ताप बढ़ता ही जा रहा है। ये क्या? धनवंतरी जी! भूमि में धंसते जा रहे थे, सभी इतने चिंतित हैं। मेरे तन के इस ताप से सृष्टि भी कुप्रभावित हो रही है। नहीं, अब किसी अन्य को नहीं, मुझे ही इसका कोई उपाय सोचना होगा। किंतु मैं करूं तो क्या करूं? मेरे उदर में इतना ताप उत्पन्न हो रहा है, मन तो कर रहा है कहीं जाकर किसी सरोवर में स्थित हो जाऊं। अरे हाँ, प्राप्त हो गया मुझे समाधान। मैं सरोवर में ही स्थित हो जाऊंगा, उससे अवश्य शीतलता प्राप्त होगी मुझे। गणेश! गणेश! सरोवर के जल की शीतलता से तत्काल उपचार मिल रहा है मुझे। अब मुझे कुछ समय यहीं रहना चाहिए, फिर मैं अवश्य पूर्ण रूप से शीतल हो जाऊंगा। क्षणिक रूप से इससे मेरा शरीर शीतल अवश्य हुआ। ये क्या हो रहा है? मेरा ताप तो पुनः प्रभावी हो रहा है। गणेश को इस सरोवर में उतरे बहुत अधिक अवधि हो गई है, वो वहां कुशल तो होगा ना? कुशल ही होगा, कुशल क्यों नहीं होगा? मुझे पूर्ण विश्वास है वो अवश्य कुशल ही होगा। विचरण करने वाले जलचर तो मेरे शरीर के ताप से तड़प उठे हैं, मृत्यु हो रही है उनकी। नहीं, मैं अपने कारण इन जलचरों के प्राण संकट में नहीं डाल सकता। ये वाष्प क्या सरोवर के जल से उत्पन्न हो रहा है? अब सरोवर के जल का तापमान भी बढ़ चुका है। देवगण बचिए! यदि ये जल का बहाव हमारे ऊपर आ गया तो हमें तो अपने साथ बहाकर ही ले जाएगा। सरोवर में मैं और अधिक देर तक स्थित नहीं रह सकता, मुझे शीघ्र यहाँ से निकलना होगा। गणेश! भैया, पिताश्री, स्थिति अब नियंत्रण
से बाहर जा रही है। सरोवर के शीतल जल से भी कोई लाभ नहीं मिला मुझे। मैं उमा को सूचित किए बिना ही कैलाश से चला आया। अब तक उन्हें मेरी अनुपस्थिति का अनुमान हो चुका होगा। पुत्र कार्तिक और पुत्र गणेश भी अभी तक नहीं लौटे। अवश्य चिंतित होंगी वो। अब मुझे उन्हें सूचित करना चाहिए। क्या सूचना देना चाहते हैं आप? ना गणेश, गणेश कहाँ है? मुझे भय है कहीं वही स्थिति पुनः न उत्पन्न हो जाए। ये क्या, माता तो यहीं चली आई। यदि इन्हें ज्ञात हो गया कि गणेश जी की पीड़ा से हमने ही इन्हें अवगत नहीं कराया तो उनके उनके क्रोध के भाजन हम मरेंगे। माँ वो स्वामी बताइए मुझे क्या बताना चाहते थे आप, और मेरा पुत्र गणेश कहाँ है? पुत्र गणेश इस अवस्था। गणेश के तन से इतना ताप क्यों उत्पन्न हो रहा है? क्यों है वो इतने कष्ट में? माँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ सर्वथा सकुशल हूँ। किंतु पुत्र क्या हुआ है तुम? क्या कारण है तुम्हारी इस अवस्था का? अच्छा पुत्र कुछ मत कहो, सर्वप्रथम तुम ही स्थान ग्रहण करो। आओ पुत्र, आओ पुत्र बैठो। कहीं गणेश को इतनी पीड़ा में देखकर उमा का क्रोध जागृत न हो जाए। माँ मैं सर्वथा कुशल हूँ, बस उधर में थोड़े ताप का अनुभव हो रहा है। अपने ही उधर के भीतर इतना प्रबल ताप कोई कैसे सह सकता है? मेरा पुत्र यहाँ इस ऊर्जा से तप रहा और मुझे ज्ञात भी नहीं। उमा, समझ गए, सब समझ गए। मैं समझ गई कि मेरे पुत्र ने उस अग्नि और लावा रूपी असुर अर्णलासुर को निगल लिया है, इसीलिए वो इस अवस्था में। किंतु मैं ये नहीं समझ सकी कि आप सब प्रबल प्रतापी देवताओं के होते हुए मेरे पुत्र को ही उसका वध क्यों करना पड़ा? जिसका भय था वही हुआ। माता हम सब पे कुपित हो रही है। वो गणेश जी की स्थिति के लिए हमें उत्तरदायी मान रही है।
समझने में असमर्थ हूँ कि समस्त संसार में सब असुरों को मिटाने का दायित्व मेरे पुत्र पर ही क्यों आता है। तो क्या ये स्थिर है कि जब भी संसार में कोई असुर अपना शीश उठाएगा तो उसे नष्ट करने के लिए मेरे पुत्र को ही कष्ट उठाना होगा। माँ, क्रोधित मत होइए आप, इसमें देवताओं का कोई दोष नहीं। मैं तो स्वयं यहाँ आया था अपने परम भक्त बालक सुबोध की रक्षा करने। माँ, और अर्नलासुर का वध करने का कोई अन्य मार्ग भी नहीं था, इसलिए मुझे उसको निगलना ही पड़ा। किंतु माँ, मेरा उधर थोड़ा अशांत है, अन्यथा मैं कुशल हूँ माँ, और कुछ समय में ये अशांति भी अवश्य दूर हो जाएगी। हाँ, मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है पुत्र, तुम कितने कष्ट में हो। माता, गणेश जी को इस कष्ट से मुक्ति दिलाने के लिए हमने धन्वंतरी जी, अश्विनी कुमार और सप्त ऋषियों का आवाहन किया और इन्होंने सभी संभव प्रयास कर लिए, किंतु माता। हाँ माँ, गणेश के उदर की उष्मता को शांत करने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं, किंतु अब तक तो हम उन सब में निष्फल रहे हैं। और माँ, गणेश तो अपने उदर की उष्मता को शांत करने के लिए स्वयं सरोवर में तक कूद गया, किंतु अन्य उपायों के समान उसका भी कोई लाभ नहीं हुआ, है ना? गणेश की इस अवस्था को देखकर सभी यहाँ पहुँच गए, सबने भिन्न भिन्न उपाय भी कर लिए, किंतु किसी के भी मन में ये विचार नहीं आया कि आप सब मुझे उसकी माँ को सूचित कर दे। स्वामी, यदि आप मुझे सूचित कर देते तो गणेश की इस पीड़ा का अंत बहुत समय पूर्व ही हो जाता। ये क्या कह रही है माता पार्वती, गणेश जी की पीड़ा का अंत कैसे हो जाता? किंतु कैसे माँ? माँ हूं मैं उसकी, इसीलिए मुझे भली भांति ज्ञात है कि गणेश के उदर के ताप को शांत करने का क्या उपाय है। तो बताइए ना, शीघ्र बताइए ना माँ, कि क्या है वो उपाय जो अनुज गणेश को उसकी पीड़ा से मुक्ति दिला सकता है। दुर्वा धूप, दुर्वा धूप, दुर्वा। आप गणेश के श्री विग्रह को दुर्वा समर्पित कीजिए। माता सर्वथा उचित ही कह रही हैं। ऋषिवर, दुर्वा धूप की 21 गांठें ले आई, गणेश उसे ग्रहण करेगा तो उसका उदर अवश्य शांत हो जाएगा। हाँ माँ, और इस कार्य में हम सभी भी ऋषि कश्यप की सहायता करेंगे। उचित है पुत्र। ऋषिवर, कृपया ये दुर्वा गणेश को ग्रहण करवाइए। Guru Me
अवस्था में सुधार का आभास हो रहा है। जो हम सभी मिलकर भी करने में असमर्थ रहे वो माँ ने इतनी सहजता से कर दिया। लीजिए। कदाचित आपको ये समझना चाहिए था कि संतान के विषय में माँ से अधिक किसी को ज्ञात नहीं होता। माता, इस दुर्वा ने गणेश जी की पीड़ा को कैसे शांत कर दिया जबकि हमारे समस्त प्रयास तो विफल रहे। गणेश और दुर्वा के मध्य एक बहुत ही विशेष संबंध है। माँ, ये कैसी चमत्कारी धूप थी? अश्विनी कुमार, धनवंतरी जी और सप्तऋषियों की सभी विशेष औषधियाँ जहाँ विफल हुई वहीं इस धूप ने मुझे पूर्ण रूप से कुशल कर दिया। ये कैसे संभव हुआ माँ? हाँ माँ, मुझे स्मरण है। श्री महागणपति जी ने हमें ये तो अवश्य बताया था कि धूप के उपयोग से गणेश शांत हो जाएगा, किंतु उन्होंने इसके पीछे का कारण उजागर नहीं किया था। ये कोई साधारण धूप नहीं है पुत्र, ये तो एक भक्त की ईश्वर के प्रति उसके प्रेम की शक्ति से परिपूर्ण है। भक्त के ईश्वर प्रेम की, उसकी भक्ति की शक्ति माँ? हाँ पुत्र, एक कन्या थी जिसका नाम था दुर्वा। दुर्वा, दुर्वा। महागणाधिपति नमः। ओम महागणाधिपति नमः। ओम। ये कैसा मंत्र उच्चारण है जिसका इतना प्रबल आकर्षण है? महागणाधिपति नमः। ये उस समय की बात है जब गणेश घोर तपस्या में लीन था, तब दुर्वा नाम की वो साधारण ब्राह्मण कन्या संयोग से वहां पहुंची और उसकी दृष्टि गणेश पर पड़ गई। ओ महागणाधिपति नमः। श्री गणेश जी। तब करते गणेश को देखकर उसका मन तो स्वयं ही गणेश की अटूट भक्ति में रम गया। विलक्षण कंठ से गणेश के प्रति इतनी सुंदर स्तुति को स्वर देने वाली कौन है ये भक्तिन? गणराया तू ओंकार
स्त्री दुर्वा। माता, माता, पुत्री दुर्वा, तुम्हारे हृदय में क्या है ये ज्ञात है मुझे। मेरे पुत्र गणेश के प्रति तुम्हारी भक्ति, प्रेम और निष्ठा का भान हो गया है मुझे। माता, श्री गणेश जी के प्रति मेरा प्रेम पूर्ण रूप से पावन है, उनके प्रति मेरी निष्ठा अटूट है। माता, मैं तो उन्हें अपने हृदय में उतार चुकी हूँ। मैं तो श्री गणेश जी की भक्ति में लीन होकर पूर्ण रूप से तृप्त हूँ। माता, मेरी एक प्रबल इच्छा है कि मैं सदा श्री गणेश जी के साथ रहूं। अब आप ही कोई उपाय कीजिए माता, जिससे मेरा नाम सदा के लिए गणेश जी के साथ जुड़ जाए। मैं मेरे पुत्र गणेश के प्रति तुम्हारे पवित्र प्रेम से अत्यंत प्रभावित हूँ, किंतु तुम किस रूप को धारण करके मेरे पुत्र के निकट रहना चाहती हो? माता, श्री गणेश जी का हृदय तो इतना बड़ा है कि वो तो तुच्छ से तुच्छ वस्तु को भी स्वीकार कर उसे सम्मान देते हैं। इसीलिए माता, आप मुझे तुच्छ दुख का रूप प्रदान कर दीजिए। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो एक ना एक दिवस श्री गणेश जी की दृष्टि मेरे इस तुच्छ रूप पर भी अवश्य पड़ेगी और मेरा नाम सदा के लिए श्री गणेश जी से जुड़ जाएगा। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। पुत्र गणेश, दुर्वा कोई साधारण दूब नहीं, ये तो तुम्हारे प्रति संपूर्ण भक्ति और निष्ठा से परिपूर्ण समर्पण की प्रतीक है, इसलिए वो तुम्हें शांत करने में सफल हुई। सत्य है माता, ये दुर्वा तो वास्तव में विलक्षण है। इसकी एक ही जड़ से कितनी अनेक शाखाओं का विस्तार होता है, जो इसका प्रतीक है कि एक ही परम ब्रह्म ईश्वर अनेकों स्वरूप धारण कर अपने भक्तों को सुख और शांति प्रदान करते हैं, और एक ही परम ब्रह्म के उत्पन्न ऊर्जा से ही संपूर्ण जीवन का विस्तार है, वही समस्त जीवों के जीवन का आधार है। सत्य है पुत्र, किंतु मात्र इतना ही नहीं, दुर्वा की तो एक और विशेषता है। दुर्वा को जड़ से उखाड़ देने पर अन्य वनस्पतियों के समान ये भी सूख जाती है, किंतु सूखी दुर्वा को यदि मिट्टी में रोप दिया जाए तो ये पुनः हरी भरी भी हो जाती है। तो माता, ये दुर्वा धूप तो बहुत गुणी है, परम ब्रह्म ईश्वर के समान ये भी अनश्वर है, इसलिए आज से ये दुर्वा धूप मेरे लिए अत्यंत प्रिय होगी और मैं प्रतिदिन दुर्वा का सेवन भी करूँगा माँ। और मैं ये भी घोषणा करता हूँ कि जो भी भक्त मुझे भक्ति भाव से दुर्वा समर्पित करेगा, मैं उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करूंगा, मैं उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करूंगा। आप धन्य हैं गणेश जी, आपने दुष्ट ज्ञानरी के अत्याचार से अपने परम भक्त सुबोध की रक्षा की, हम सभी की, यहाँ तक कि संपूर्ण सृष्टि की रक्षा अर्नालासुर के ताप से की, और अब आपने अपने भक्तिन दुर्वा की भी मनोकामना पूर्ण कर दी। उसकी भक्ति और निष्ठा का सुफल प्रदान कर दिया आपने। स्मर नित्यं माय
शुभकामात् सिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णं लिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विक्रराजेन्द्रं धूम्रवर्ण तथाष्टकं नवमं बालचन्द्रं च दशमं विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं गजाननं द्वादश शैतानि नामानि त्रिसंज्ञयः पठिन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वासिद्धिकरं प्रभो सुर को निकलने के कारण कहीं बड़ा कोई संकट तो उत्पन्न नहीं होने जा रहा। अरे अरे अरे, आप सभी चिंता मत कीजिए, लावा तो मेरे उदर में पच चुका है, ये तो मेरे भूख की गर्जना थी। माँ, बहुत भूख लगी है और यहाँ का कार्य भी तो संपन्न हो चुका है, अभी हम कैलाश चलकर भोजन करें क्या माँ? अवश्य पुत्र। वाह माँ, आनंद आ गया, मेरा विजय भोज तो बहुत ही स्वादिष्ट था। भोजन के पश्चात निद्रा मग्न होना उचित नहीं, अभी तो टहलना चाहिए। चिंता मत कीजिए भैया, स्मरण है मुझे, भोजन के बाद निद्रा में लीन नहीं हो सकता मैं तो टहलने ही जा रहा हूँ। उचित है। अरे, कुछ मोदक अभी भी शेष है, मैं ये ले लेता हूँ। चिंता मत कीजिए भैया, भ्रमण करते करते मैं इन मोदकों को खाऊंगा। माँ के हाथों की स्वादिष्ट मोदक और कैलाश पर्वत की शीतल पवन, वाह आनंद आ गया। क्यों मूषक जी, मोदक का तो आपको ही क्या था स्वामी, मैं तो मात्र वायु खा रहा हूँ। ओह, मैं कभी कभी कितना विचार शून्य हो जाता हूँ ना, मैंने आपसे तो पूछा तक नहीं। आहा, तो प्रभु को स्मरण हुई है कि मोदक मुझे भी प्रिय है, किंतु अभी तक प्रभु ने पूछा ही नहीं। कोई बात नहीं प्रभु, मुझे खेद है मूषक जी, आपको इतनी भारी टोकरी उठानी पड़ी, किंतु लीजिए, अब मैं शीघ्र इन मोदकों को खाकर इस टोकरी का भार कम कर देता हूँ, ताकि आप भी सरलता से भ्रमण कर सके। टहलते टहलते कैलाश के उपवन से इतना दूर निकल आए हैं कि हमें ध्यान भी नहीं रहा कि कब हम इस सघन वन में प्रवेश कर गए। अब तो चलिए प्रभु, हम लौट ही चलते हैं ना। अरे मूषक जी, लौटने की ऐसी भी क्या शीघ्रता है, वैसे भी अब और मोदक कहाँ शेष है, तो थोड़ा विश्राम कर ही लेते हैं। उस वृक्ष की छांव तो बहुत ही लुभावनी और सुखद प्रतीत हो रही है मूषक जी। वैसे भी तो इतना टहल चुका हूँ मैं, अब कैलाश तो मैं आप पर ही आरूढ़ होकर जाऊंगा। तो प्रभु, यदि ऐसा है तो थोड़ा विश्राम कर।
कर ही लेते हैं। हाँ हाँ चलिए। भोजन के बाद विश्राम और भी आनंद देता है। प्रभु, विश्राम अवस्था में आप कुछ कथाएं सुना दीजिए ना मुझे, जो बहुत ही रुचिकर हो और मेरा मनोरंजन भी हो जाए प्रभु। हाँ हाँ क्यों नहीं, किंतु कहीं भूत प्रेत की कथा सुनकर आप भयभीत तो नहीं हो जाएंगे ना मूषक जी? अरे कहाँ प्रभु, आपके लिए इतने भयानक असुरों का सामना किया है तो मात्र कथा मुझे कहाँ भयभीत कर सकेगी। सुनाइए। अच्छा तो फिर सुनिए, एक बार एक व्यक्ति अपने नगर से किसी अन्य नगर जा रहा था, किंतु मार्ग में इसी प्रकार का सघन वन था। ऐसा ही वन प्रभु? हाँ मूषक जी, हाँ ऐसा ही, पूर्ण रूप से ऐसा ही निर्जन वन, जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। कोई वन्य पशु भी नहीं। कोई भी नहीं, किंतु क्यों प्रभु? क्योंकि मूषक जी, वो वन शापित था। हाँ हाँ मूषक जी, शापित। आप तो ऐसे सहम गए हैं कि आप मेरी कथा से भयभीत हो रहे हैं मूषक जी। नहीं 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 प्रभु, मैं और भयभीत नहीं, नहीं आप कथा सुनाइए ना, मैं तो सुन रहा हूँ। अच्छा तो फिर सुनिए। फिर मार्ग में उस व्यक्ति को अत्यधिक प्यास का अनुभव हुआ, किंतु निकट में जल का कोई स्रोत नहीं था, और अब वो इतना व्याकुल हो गया कि वो जल को इधर तो कभी उधर, इधर उधर ढूंढने लगा, और फिर अकस्मात क्या क्या हुआ अचानक प्रभु? और फिर अचानक अचानक उसे एक आहट सुनाई दी। कैसी आहट प्रभु? जैसे सूखे पत्तों पर चर पर करते हुए किसी के पांव उसकी ओर बढ़े आ रहे हों, जैसे कोई निकट बढ़ता ही चला आ रहा हो। हाँ प्रभु, ध्वनि तो कुछ ऐसे उत्पन्न हो रही है जैसे जैसे किसी के आने की आहट हो। किंतु जब उस व्यक्ति ने ध्वनि आने वाली उस दिशा की ओर मुड़कर देखा तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर क्या हुआ प्रभु? मूषक जी, उसे दिखाई कोई नहीं दे रहा था, किंतु आहट सुनाई दे रही थी, और वो पदचाप निरंतर उसके निकट आती जा रही थी। और तभी जैसे जलते केशों की गंध उसकी नासिका में पड़ी। केशों की गंध? हाँ, जब भूत पिशाच निकट आते हैं तो ऐसी ही गंध आती है मूषक जी। और तभी 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 क्या हुआ प्रभु? और तभी उस व्यक्ति को वहाँ भूमि पर पांव के चिन्ह दिखाई दिए। किंतु विचित्र बात ये थी कि एक पांव का चिन्ह सीधा था और दूसरा उल्टा। मूषक जी, क्या प्रभु? एक सीधा एक उल्टा। अच्छा समझ गया, वो दो व्यक्ति होंगे जिन दोनों का संयोग बस एक ही गांव होगा, उनमें से एक जा रहा होगा और दूसरा आ रहा होगा। नहीं मूषक जी, दोनों पांव और उनके चिन्ह एक ही व्यक्ति के थे। ये कैसे संभव है प्रभु? संभव है मूषक जी, अवश्य संभव है, क्योंकि भूत पिशाच का एक पांव सीधा होता है तो एक पांव उल्टा। ओह अच्छा, तो फिर प्रभु? और फिर अचानक से वायु का तीव्र प्रवाह उत्पन्न हुआ। साय साय, और देखते ही देखते उस वायु प्रवाह ने बवंडर का रूप धारण कर लिया।
ठीक उसी प्रकार जैसे एक भूत पिशाच किसी पर आक्रमण करने वाले होते हैं, तो वो बवंडर का रूप धारण करते हैं और तभी उस व्यक्ति को बवंडर से हंसी का स्वर सुनाई देता है। और फिर बवंडर ने उसे उठाकर पटक दिया मूषक जी। और पुनः हंसी का स्वर सुनाई देने लगा। कोई तो उस विचित्र स्वर में कह रहा था, मैं भूत हूँ, मैं पिशाच हूँ, मैं तुम्हारे प्राण हर लूंगा।